देश भर के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आयुष और आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योगाभ्यास का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने योगाभ्यास किया। इस दौरान सीएम रावत ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भले ही हम कोरोना के कारण सामूहिक रूप से योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने घरों पर रहकर योग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की धरती से निकलकर ही योग देश और दुनिया में पहुंचा है। और उसके शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत सबको अवेयरनेस किया, इसके लिए जागरूक किया है कि स्वयं में स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं तो योग सार्थक उसके लिए होगा। और वो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और योगाभ्यास के कारण पूरे दुनिया के अंदर आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और यह उत्तराखंड की धरती तो एक ऐसी धरती है जहाँ से कि योग क्रिया निकली है। आज मैं बगल में यदि ऋषिकेश के अंदर कहूँ तो वह भी योग नगरी के नाम से आज रेलवे स्टेशन शुरू हुआ तो प्रारंभ, और उससे पूरा हमारा यह उत्तराखंड जाना जाएगा। और विश्वविद्यालय के अंदर भी यह योग का पठन पाठन और पूर्ण तरह से शुरू हो, और पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान इस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें और शारीरिक ही नहीं तो मानसिक शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ, ऐसे ये योग क्रिया। और इसी के साथ में मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, नमस्कार। वहीं सूबे के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री के साथ योगाभ्यास किया। योग दिवस के इस अवसर पर राज्य सरकार ने देश भर की जनता को कई सौगात भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा कार्यक्रम डिग्री कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया है, और इसके लिए विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह विश्वविद्यालय में योग और तमाम कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की घोषणा की गई है। कोटद्वार और चरक डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए विश्वविद्यालय से जो डेवलपमेंट फंड है उससे 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा आज की प्रदेश सरकार ने की है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जो जिला मुख्यालयों में 25 बेड के हॉस्पिटल के जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे हैं 25 बेड, और तहसील स्तर पर हर तहसील पर हर जिला मुख्यालय में एक हॉस्पिटल 25 बेड का, और हर तहसील में एक हॉस्पिटल 15 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसी तरह जो चार धाम यात्रा पर और जो हरिद्वार ऋषिकेश नैनीताल में जो रिसोर्ट है उनसे, और गढ़वाल विकास निगम के जो रेस्टोरेंट हैं होटल हैं उन सब में पंचकर्म और योग के केंद्रों की स्थापना की घोषणा प्रदेश की सरकार ने आज की है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री ने
आज हिमाचल प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनमन्य करने की जो बहुत लंबे समय से मांग थी, विशेष करके कोरोना महामारी में, कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है, तमाम प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार था, उनको सुझाव देने का अधिकार था, कर तो यहाँ भी रहे थे एमरजेंसी में, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से ये निर्णय नहीं था सरकार का। तो आज ये सरकार ने ये भी निर्णय लिया है, दूर दराज के क्षेत्रों में और तमाम क्षेत्रों में योग और वेलनेस सेंटर, जिसमें 100 वेलनेस सेंटर बनाने का निर्णय प्रदेश की सरकार ने लिया है। पहले चरण में 50 वेलनेस सेंटर बनाने का हमने निर्णय लिया है। तो इस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये तमाम निर्णय प्रदेश की सरकार ने लिए हैं, जिससे कि तीसरी महामारी के समय, संभावित तीसरी महामारी के समय आयुर्वेद योग प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में कामयाब हो सके, इस दिशा में आज हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय के तमाम शोध, विश्वविद्यालय के तमाम कार्यक्रमों को भी डॉक्टर जोशी जी, जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, हमने इनसे अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय एक व्यावहारिक रूप से आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर पर बहुत जल्दी कैंसर चिकित्सालय के रूप में, जो आयुर्वेद के रूप उसमें स्कूल में गुरुकुल कांगड़ी में, यह पहला हिंदुस्तान का आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान होगा, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। इसी तरह मर्म चिकित्सा, जो कि उत्तराखंड और डॉक्टर जोशी जिसके विशेषज्ञ हैं, जो कुलपति हैं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के, ये जिस तरह केरल में पंचकर्मा है, उसी तरह मर्म चिकित्सा को उत्तराखंड में हम एक महत्वपूर्ण इलाज के रूप में, महत्वपूर्ण एक चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और डॉक्टर जोशी को इसकी जिम्मेदारी दी है कि इस मर्म चिकित्सा को वो पूरे प्रदेश में इस पर रिसर्च और इस पर तमाम चीज़ें काम करें। हमने विश्वविद्यालय को जो एक टास्क और दिया है कि जो पुराने वैद्य हैं, पुराने गांव में जो लोग अनुभवी हैं, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन उन पर पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव है और वो गांव में उन जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज करते हैं, जंगली जानवर भी कुछ खाकर घाव हो गया, कोई बीमार हो गया जानवर, वो भी किसी घास को खा के, किसी जड़ी बूटी को खा कर अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है। इस सारे कैमरा टेपिंग के माध्यम से इन अनुभवों को संकलित करते हुए और वैज्ञानिक रूप से इन पर रिसर्च करना कि किन ऐसी क्या चीज़ उस जड़ी बूटी में है जिससे कि वो ठीक हो सका है, वो जानवर या वो व्यक्ति ठीक हो सका है, तो इसको वैज्ञानिक रूप से शोध करने का निर्णय और ये निर्देशन विश्वविद्यालय को दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय